हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। वेरी गुड इवनिंग समित डोंडियाल। हां, वेरी गुड इवनिंग सर। प्रियंका बात कर रही हूं ऑन द बॉडी लाइन बिहाफ ऑफ एक्सिस बैंक रिगार्डिंग एक्सिस कार्ड। कार्ड यानी आपके 2824 कार्ड जो है आपका वो 5 मंथ ओवर ड्यू है। पेमेंट आज के रेट बेसिस पे आपकी आवाज बहुत कट रही है, दोबारा बताओ। अभी आ रही है आपको मेरी आवाज अच्छे से? हाँ अभी आ रही है जी। मिस्टर अमित से बात हो रही है? जी जी हो रही है। ये बताना चाहूंगी ये कॉल है एक्सिस फाइनेंशियल मैटर के रिगार्डिंग किया गया, एक्सिस कार्ड के रिगार्डिंग एक्सिस। मैडम आप एक हमारे पास रिमार्क्स होता है, रिमार्क्स पढ़ लो ठीक है सर। आप बताएंगे 5 महीने से पेमेंट होल्ड करा हुआ है आपने? सो मैं नहीं बताया, रिमार्क्स पढ़ लो आप बता दीजिए ना। मैडम मैं बता बता के थक गया, बताऊंगा 5 महीने से बता रहे हैं आप पेमेंट नहीं कर पा रहे अपना, तो आपको बताने पड़ेगा। आप बताइए क्या करूं मैडम, आप जैसे और भी कहते थे उनको भी बता बता के थक गया। और रिमार्क्स पढ़ लो, मेरे बस की नहीं बताना। दोबारा बता दीजिए ना सर, दोबारा मेरी हिम्मत नहीं है ना, दोबारा मेरी हिम्मत नहीं होता सर। 5 महीने से पेमेंट भी तो नहीं कराया तो बताना ही पड़ेगा ना सर आपको। 5 महीने से पेमेंट भी तो होल्ड किया हुआ है आपने? नहीं मैडम बता तो दिया, नहीं बताया। 5 महीने से बता दो, 5 महीने से बता दो सर। तो अभी एक और बार बता दीजिए पेमेंट तो। एक और बार मैडम आई लव यू। पेमेंट का बताइए सर आप। जब पेमेंट का बताना, पेमेंट का डिफॉल्ट बताइए। डिफॉल्ट क्या इंटेंशन इशू है आपका? हाँ। 5 महीने से पेमेंट डिले होने का रीजन जान सकती हूँ? इंटेंशन इंटेंशन ही नहीं है आपका पेमेंट कराने का? हाँ डिफॉल्ट करने का इंटेंशन। तो उससे पहले तो आपका सर पेमेंट कंटिन्यूसली हो रहा था, क्या इशू हुआ सर? उसके बाद पेमेंट ही नहीं करवाया आपने? मैडम तब जब पेमेंट हो रहा था ना, तब जब पेमेंट हो रहा था ना, तब मेरी एक गर्लफ्रेंड जब तो हो गई, जिम्मेदारी बढ़ गई यार। सर जिम्मेदारी बढ़ गई है तो ये तो आप ही की जिम्मेदारी है, लाइबल है ना सर। आप अपना कार्ड का पेमेंट करा के लिए? नहीं मैडम क्या करूँ, उनकी जिम्मेदारी के सामने कोई और जिम्मेदारी दिखती नहीं। 70,600 का है आपका टोटल मिनिमम अमाउंट है आपका 44,035 का। नहीं करवा पा रहे हैं टोटल मिनिमम पेमेंट, नो इशू। कम से कम जो इमीडिएट बेसिस रिक्वायर्ड अमाउंट है आपका 5,200 का, कम से कम उतना तो कराइए। नहीं मैडम नहीं, मैं नहीं कराऊंगा, जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो सर बताइए ना, मुझे कंफर्म तो कीजिए। कंफर्म क्या करूँ, पेमेंट रिगार्डिंग कंफर्म कीजिए। क्या कंफर्म करूँ पेमेंट रिगार्डिंग? ये कंफर्म कीजिए सर कि आज की डेट पे कितना पेमेंट करा देंगे, कम से कम 5,200 का पेमेंट तो कराइए। डिफॉल्ट कराएंगे आज की डेट में सर। जिम्मेदारी मुझे समझ में आती है, जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी है आपकी भी, लेकिन जो फर्स्ट इमीडिएट बेसिस रिक्वायर्ड अमाउंट है वो तो करवाना पड़ेगा ना सर आपको। मैडम क्या करूँ, दोनों गिफ्ट मान दिए, वो कह दिया तुम गिफ्ट को, एक को रात का समय देता हूँ इसको, क्या कहते हैं सुबह से दोपहर तक का देता हूँ, दोपहर से रात तक का, मतलब वही रात का। ऐसे ऐसे दोनों को पैसे देने पड़ते हैं, आजकल ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ लोन वोन के पेमेंट। तो पेमेंट अरेंज करिए ना सर, ऐसे बोलने से तो नहीं चलेगा ना। मैम संडे को यही छुट्टी मिली, ना रात को देना है ना दिन में देना है समय किसी को, तो संडे को करा दूँ। 5 मिनट लगता है इतनी देर से जब आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, 5 मिनट लगते। मैडम इतनी देर में ना जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, बाबू मेरे बराबर में बैठे उसको भी छेड़ रहा हूँ आपसे बात करते रहते, तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। पेमेंट बताइए आप पहले, मुझे पेमेंट का बता दीजिए सर। पेमेंट मैडम डिफॉल्ट हुआ, अभी बोल रहे संडे को छुट्टी होती है, संडे को पेमेंट कराऊंगा। संडे को पेमेंट थोड़ी, संडे को पेमेंट थोड़ी कराऊंगा। अभी तो आपने बोला सर संडे को पेमेंट कराऊंगा, संडे को बात करूंगा खुल के। पेमेंट का बताइए सर आप मुझे पहले, 5,200 का मुश्किल से अमाउंट ही नहीं आपका इमीडिएट। पेमेंट 1.5 साल बाद सर, हो गए ऑलरेडी 5 महीने। पेमेंट का बताइए अभी आप मुझे, आज की डेट पर कितना करवाने वाले हैं? बोलिए सर।
1.5 साल बाद लीगल आपत्ति विपत्ति संपत्ति कुछ नहीं, वो आपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति तो बहुत होती, तो आप अपना पेमेंट करा चुके होते ना अभी। मैडम अभी तो बताया इंटेंशनली बार बार एक ही चीज सुन रही हो, दिमाग है या नहीं, सेंस लगाती है, इंटेंशनली कस्टमर बोल चुका है। आप बता दीजिए ना सर। क्या बताऊं, हेलो हेलो, 52 रुपए का अमाउंट है, बताइए मुझे कितनी देर में करवाने वाले हैं आप अपना पेमेंट। 52 रुपए का इतनी देर में कराऊंगा जितनी देर में ना बच्चा पैदा होता है, 9 महीने लगते हैं ना, 9 महीने बाद करा, छोटे से बनता है बड़े तक पैदा होता है, 9 महीने बाद करा दूंगा। ठीक है, मैडम थोड़ी सी बात और हो जाए, आप कहाँ जा रही हो? पेमेंट का बता दीजिए फिर आप, मुझे कितनी देर में करवा रहे, अभी करा दीजिए, लाइन पे रहके ज्यादा बात करनी है आपको तो पेमेंट करा दीजिए। अच्छा, जैसे मैं थोड़ी ज्यादा पेमेंट करा दूंगा फिर तो आप निकाल दे, गर्लफ्रेंड बन जाएगी, शादी भी कर लोगी मुझसे। सॉरी, जैसे मैं ज्यादा और पेमेंट करा दूंगा तो तुम तो मेरे ख्याल से मेरी गर्लफ्रेंड भी बन जाएगी, शादी भी कर लूंगी इससे फिर तो। है, पहले पेमेंट तो कराइए उसके बाद पूछिएगा ना सर ये बात तो। चलो ठीक है फिर, क्या कहते हैं, पेमेंट तो कराइए, लाइन पे यूज़ है ना, अभी करा दीजिए ना पेमेंट। नहीं, मुझे जो है ना अपना पहले व्हाट्सएप नंबर, अरे बोलने तो दो, पहले अभी मैं लाइन पे हूँ, पहले पेमेंट तो करा, मुझे जो है ना अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो फटाफट से, पहले आप अपना पहले पेमेंट तो कराइए ना। अरे मैडम शादी की बात और आगे की बात हो जाएगी, पहले नंबर तो दो, पहले पेमेंट तो कराइए सर, उसके बाद बताती हूँ ना सर मैं आपको। लिखिए, क्या लिखूं, पहले पेमेंट कराइए ना, लिखिए पेमेंट कैसे करनी है, मैं बताती हूँ ना आपको सर। हाँ, व्हाट्सएप नंबर बताइए, कौन सी एप्लीकेशन से पेमेंट, कौन सी एप्लीकेशन यूज करते हैं सर? मैडम मैडम भारत पे यूज करता हूँ, नहीं भारत पे क्या नाम है उसका, एक मिनट, वो उसका नाम है भारत पे ही है, भारत पे। गूगल पे यूज करते हैं सर? गूगल पे यूज नहीं करता मैडम। पेटीएम? पेटीएम में, पेटीएम अभी पीछे हो गया था फ्रॉड वगैरह, मतलब ये पेटीएम वाले धोखेधड़ी करते हैं, फोन पे चालू करवाया नहीं कर रहा हूँ। वहाँ क्रेडिट एप्लीकेशन यूज करते हैं सर? क्रेडिट एप्लीकेशन, हाँ क्रेडिट एप्लीकेशन यूज करते हैं। ओपन कर लीजिए, नंबर तो दो मैडम, कुछ वो कुछ चैटिंग वैटिंग होगी फिर तो पेमेंट कराऊंगा। बिल्कुल सर, बताऊंगी ना मैं आपको, पहले आप पेमेंट तो कराइए। ये कोई बात थोड़ी है मैडम, बताऊंगी, ये कोई बात थोड़ी है सर, पहले आप अपना पेमेंट तो कीजिए, मुझे भी तो पता चलना चाहिए आप पेमेंट भी करवा पाएंगे कि नहीं, तो पहले पेमेंट करिए उसके बाद बता दीजिए। मैडम मुझे कैसा पता चलेगा आप शादी कर पाओगी या नहीं, आप आगे कुछ कर पाओगी या नहीं, एक काम करें मिल लें, कॉफी वॉफी पी लें उसी बहाने। पहले पेमेंट कराइए ना, पहले पेमेंट कराइए सर, उसके बाद बताती हूँ मैं पेमेंट। अरे मैडम आपने ना कर दिया तो आपको क्या पता, जैसे पता तो कर लूँ, आप सारे काम कर लोगी, वो वाला ये वाला इधर वाला उधर वाला, शादी भी करोगी नहीं तो, जैसे आपको खाना बनाना आता है नहीं, सारे पता कर लूँ उसके बाद होगी ना पेमेंट की बात। पेमेंट का बताइए पहले आप मुझे, पेमेंट बताइए आप अपना क्लाइंट एप्लीकेशन ओपन कीजिए, बताती हूँ कैसे पेमेंट करना है आपको। मैडम मैं ऐसे ओपन नहीं करता हूँ क्लाइंट एप्लीकेशन, ऐसे ओपन ये समझ लो मैं करूँगा ही, पहले अपना नाम दोबारा बताओ, नाम क्या है? हेलो, ये बताइए सर, आप मुझे पेमेंट करवा रहे हैं और आप अपना नहीं करवा रहे हैं सर? मुझे बताओ, मुझे बताओ नाम क्या आपका? प्रियंका जी। हाँ, स्वीट प्रियंका जी, आपने दिल की धड़कन बननी है आप। तो प्रियंका जी देखो, पेमेंट तो मैं करा दूंगा, अपना पर्सनल नंबर अपना व्हाट्सएप नंबर दोनों दे दो, बस तुरंत पेमेंट हो जाएगी। पहले पेमेंट कराइए सर,
और हाँ प्रियंका जी, मैं एक बात बता दूं पहले कहीं, आप सोच रही हो कि नंबर दे देती हूँ कस्टमर को, पेमेंट करा लेती हूँ, नंबर जो है ना, अगर आपने ब्लॉग वगैरह करा तो मैं जो है ना एक यूट्यूब ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, यूट्यूब पर मतलब अपना चैनल है और एक कम्युनिटी है जिसमें कम से कम 8-10 हजार नंबर है। अगर आपने ब्लॉक करा तो मैं वहां पर नंबर डाल दूंगा, अगर आप मुझसे मत कहना कि हो गया हो गया, जब पैसे दूंगा तो बात भी तो करूंगा आपसे। तो पहले पेमेंट कराइए तो सही, मैं तो बोल ही रही हूँ आपको, पहले पेमेंट तो कराइए। बाद में आप क्या ये समझ लो कोई नहीं देने का है नंबर, मैं भी चालाक हूँ मुझे भी पता है। वेल एंड गुड सर, पहले पेमेंट कराइए। नहीं मैडम, पहले मैडम मैं शादी कर रहा हूँ, पहले मैडम मैं कॉफी दूंगा आपके साथ, ये नंबर दूंगा उसका। आपने पेमेंट कराना है और नहीं कराना है? पेमेंट कराना है ना, पर आप दे ही नहीं रही, जो देने की चीज आपको दे ही नहीं रही। ओके सर, मैं यहाँ पर अपडेट कर देती हूँ, आपका इंटेंशन इशू है और आप पेमेंट नहीं। मैं एक बार दे दो बस, पहले पेमेंट तो करा दीजिए सर, फिर मतलब फिर आप दोगी नहीं, आप भाग जाओगे, आप बहाने दिखाओगे ये परेशानी है वो परेशानी, मैंने दे दी अब मेरा मन नहीं कर रहा, ऐसे करके बहाने दिखाओगे। ओके सर, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे सर, थैंक यू। ओ सेम टू यू मैडम, बट मैडम नंबर तो दे देती। पेमेंट करा दीजिए ना सर, अगर आपको इतना नंबर चाहिए सर। बाद में दोगी नहीं ना आप भी, मैं भी चाहना हूँ, मुझे हल्के में ले दियो क्या आप? पता है मेरा वहाँ पे, पता है मेरा नाम चलता है क्या कहते हैं ये, तो मेरा आप जो बात कर रही हो ना ये तो मेरा वैसा नाम है घर का, मेरा एक और नाम चलता है बॉन्ट भाई, बॉन्ट WND, बॉन्ट तो भाई। पेमेंट का बताइए आप, पेमेंट करिए ना, पेमेंट तो करिए आप सर। पता है मैडम मेरी जो है ना वो जो यूट्यूबर है ना उसका कुणाल कुमार नाम है, उससे पहचान है। पेमेंट बताइए सर, कितनी देर में करवा रहे हैं आप? नंबर आते के साथ पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि फिर आपके नंबर पे ना मैं मैसेज डालूंगा, मैं आपसे बात करूंगा प्यारी प्यारी चैट में, आपसे बोलूंगा आई लव यू, फिर आप जवाब दोगे आई लव यू। फिर मैडम अपने अपने प्यारे प्यारे आगे जाके बच्चे भी होंगे और क्या कहते हैं हम दोनों, फिर आप भी अपने काम पे जाना, मैं अपने काम पे जाऊंगा। चलो मैडम आप अपनी जॉब पे जाना, मैं अपने काम पे जाया करूंगा, फिर रात को आया करूंगा, आप खाना खिलाया करोगे, फिर क्या कहते हैं आपको, आपके लिए मैं गिफ्ट लाया करूंगा और आपको किस दिया करूंगा रोज रात को। मैडम मैं आप नंबर ही नहीं दे रही, आपको बता रहा हूँ क्या क्या होगा। फिर मैडम हम हंसी मजाक करे करेंगे, मैं आपके गाल खींचे करूंगा और मैं ना आपकी कमर पे चींटी काटे करूंगा। मिस्टर अमित, पहले आप अपना काम कीजिए, अपना पेमेंट कराइए। अपना ही तो काम कर रहा हूँ, सिंगल हूँ ना, आप लाइबल है। लाइबल तो मैं आपकी जिम्मेदारी उठाने को भी हूँ, आप हाँ का कर दीजिए। अपनी लाइबिलिटीज तो आप अपनी कंप्लीट कीजिए। मैडम लायबिलिटी पता है इतनी उठा सकता हूँ मैं, इतनी उठा सकता हूँ जितनी आपने सोची ना होगी, मैं आपको भी उठा लूंगा, ज्यादा नहीं, आप मेरे ख्याल से लग रही हो कुछ 60 किलो की होगी, नहीं ज्यादा से ज्यादा 65 पे जाओगी, वजन से ज्यादा नहीं होगी, लड़कियों का वजन कम होता है। बाकी आपकी हाइट भी मुझे लग रहा है ठीक है, हाइट भी कम नहीं है आपकी, ठीक है, होगी कुछ 5 5 5 की होगी या 5 6 की। मैडम मैं आपकी आवाज सुन के बता सकता हूँ आपका ना रंग जो है ना सांवला है, मतलब बीच की हो, मतलब गोरी भी नहीं हो और काली भी नहीं हो, मतलब थोड़ी सी गोरी हल्की सी, मतलब काली कम हो गोरी ज्यादा हो, और क्या कहते हैं मैं शायद बता सकता हूँ आपका मेरे ख्याल से एक बॉयफ्रेंड भी, आपको उसका पत्ता काटना पड़ेगा पहले, फिर मैं आपसे बात करूंगा। मैडम एक और बात सुनती जाओ, वेट मिनट सुना देता हूँ आपको, सुनिएगा आपके लिए। तेरी यादों ने मार रखा है मुझे, तेरी यादों ने मार रखा है मुझे, ये आपके लिए सुंदर यान। बाकी एक और चीज सुना दो, रुको रुको, अरे यार कहाँ चली गई वो, मैं होल्ड करने दी। नहीं मैडम मैडम सुनो मैडम, ये लास्ट वाली चीज, ये काम की सुनते हाँ सुनो, तुझे क्या नहीं ये वाली नहीं है ये ठीक है। हम उस सफर में जाना चाहते हैं जिस सफर में हम सफर हमें तुम मिलो, पूरी कायनात में कोई तुमसा खूबसूरत सफर नहीं,
हम तो दोजत में भी चले जाएं, अगर दोजत में जाने के बाद। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।